अक्षत चंदन श्री मुनि सुर दादा के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। व्यासपीठ पर विराजित सभी आदरणीय मानवरों को मेरा सादर प्रणाम। मंडप में उपस्थित देवियों और सज्जनों, आपको मेरा सादर जिनेन्द्र। माननीय दर्शक वर्ग, प्रथमतः मैं आपके प्रति आभारी हूँ। आप ही तो इस समारोह के प्राण हो, ऊर्जा हो। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे कृतज्ञता व्यक्त करे। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। सुप्रसिद्ध जैन साहित्यिक स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी भंडारी, इनकी कन्या एवं सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्री विकास भाई भंडारी, वैभव भाई भंडारी, सौचित्रा और सपना, इनकी बहन होने के नाते मैं तो जन्म से ही भाग्यशाली हूँ। देव गुरु भक्ति कारक धर्म प्रेमी डॉक्टर हीराचंद शाह, आप जैसे पुरुषोत्तम व्यक्ति की धर्म पत्नी होने के बाद मेरे सौभाग्य को चार चांद लग गए। डॉक्टर साहब, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रचंड स्रोत था और आपकी मृत्यु में महोत्सव था। 10 फरवरी 2021 में ब्रह्म मुहूर्त पर आपने बड़ी प्रसन्नता के साथ समाधि मरण स्वीकारा। डॉक्टर साहब, आपके अचानक चले जाने से मैं तो निराशा की गहरी खाई में गिर गई। मेरे जीवन में घना अंधेरा छा गया, मगर किसी दिन एक अदृश्य शक्तिशाली हाथों ने मुझे संभाला और वो शक्तिशाली हाथ श्री मुनिसुर दादा आप ही के थे, ऐसा मुझे विश्वास है। हे मुनिसुर दादा, आप आंसू तो कभी आंखों में भरने नहीं देते, दर्द भी चेहरे पे उभरने नहीं देते। इस तरह रखते हैं दादा आप मुझे समेट कर, कि मैं टूट भी जाऊँ तो मुझे बिखरने नहीं देते, डॉक्टर शाह के स्मरणार्थ भूखे को अन्नदान धार्मिक पुस्तिका का प्रकाशन एवं वितरण, गर्भगृह में गोल्डन सिल्वर नक्शेदार पट और यह संगम रौरी मनोहारी प्रवेश द्वार, यह सब विधायक कार्य भगवान आपकी कृपा से संपन्न हुए हैं। हे प्रभु, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरी छोटी नाती कुमारी मायरा भंडारी, थैंक्स टू यू वेरी मच।
आपने नृत्य कला का बेहतरीन आविष्कार प्रस्तुत किया और समारोह का मंगलमय शुभारंभ हुआ। व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले सभी मान्यवर महोदय, आप सभी बड़े ऊंचे स्तर पर कार्यरत हो, बड़े व्यस्त हो, फिर भी आपने मेरी विनती का मान रखा और अपना बहुमूल्य वक्त देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपके प्रति जितने भी धन्यवाद व्यक्त करूं कम ही है। कैसे धन्यवाद व्यक्त करें आपका, अल्फाज नहीं मिलते। समारोह इतना खूबसूरत नहीं होता जो आप जैसे मेहमान न होते। इस प्रवेश द्वार की निर्मित में श्रेष्ठीवर्य श्री इंजीनियर श्री प्रशांत भाई शाह, आपने मुझे जो मार्गदर्शन एवं सहकार्य किया है वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। फ्रॉम टॉप टू टो फाउंडेशन से शिखर तक सारा कार्य आपके सहकार्य से सफल संपूर्ण हुआ है, वरना मेरी इतनी क्षमता नहीं थी। आपको कई बार भूख में खड़ा रहना पड़ा, भोजन को विलंब हुआ, फिर भी आप और प्रीति भाभी ने कभी शिकायत नहीं की। मंदिर का जो भी कार्य हो आप निरपेक्ष भाव से करते हो, आपके उपकार मुझ पर कर्ज है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकती। आभार तो जरूर मानूंगी मगर आपके एहसान के प्रति मैं हमेशा कृतज्ञ नहीं रहना चाहूंगी। श्री विकास भाई भंडारी, आप में और आपके परिवार ने मंदिर और उपाश्रय एवं ज्ञान मंदिर तीर्थ आर्थिक सहयोग किया है। आप और प्रशांत भाई दोनों मेरे भाई हमेशा प्रसिद्ध से परांगमुख रहते हो, आपको भी धन्यवाद। आदरणीय प्रश्न महोदय, आपके प्रति तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आपकी अनुमति, आपका विश्वास और सदिच्छा, उनकी वजह से मेरा ये संकल्प सफल हुआ है। पूर्ण उत्साही संगीत एवं विधिकार श्री सागर भाई, आपके दमदार सूत्र संचालन की वजह से यह कार्यक्रम शानदार संपन्न हो रहा है। आपके भक्तिमय गीत सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। सागर भाई, आप सिर्फ संगीतकार नहीं हो, किधर बैठे सागर भाई, आप सिर्फ संगीतकार नहीं हो, अनेक प्रकार के पूजन में आप अभ्यास पूर्वक रंग भरते हो। ज्ञान और आचरण से आप तो दिल्ली शासन के सच्चे अनुयायी हो, दिल्ली शासन के सच्चे अनुयायी हो। आपके हाथों दिल्ली शासन की प्रभावना उत्कृष्ट रीति से हो रही है, आपको बहुत धन्यवाद सागर भाई, आपको और आपकी टीम को मनपूर्वक धन्यवाद। सुहास भाई, श्री पराग भाई, श्री हर्षलता भाभी, श्री नेहा, श्री पूजा शाह और सभी मेरे दोस्त और मेरे ज्येष्ठ सेविका, आप सभी का सहकार्य एवं मार्गदर्शन मेरे लिए प्रशंसनीय है। संगपति श्री कुशाल जी बडेरा, आपने अपनी जगह में स्टेज के लिए अपनी जगह मुझे उपलब्ध कर दी, इसलिए बडेरा परिवार का मनपूर्वक धन्यवाद। शिल्पकार पप्पू भाई भाटिया और मोहन भाई भाटिया, आपके हाथों में तो जादू है, पत्थर में से फूल और पत्थर में से परमात्मा की निर्मिति आप बड़े कौशल्य से करते हो। इस सुंदर प्रवेश द्वार की रचना करके आपने मेरा सपना साकार कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। दूर गांव से आए सभी श्रेष्ठीवर्य, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरी सहेलियां, आप सबके आने से कार्यक्रम में बाहर आई, आपको मनपूर्वक धन्यवाद। मुझे हमेशा पुत्रवत सहकार्य करने वाले श्री दिनेश अक्षय वर्पे, श्री निरंजन जोगेकर, काजवे सर, अष्टभ पटेल, आप सबको भी, कैलाश महाराज, मंडप रचनाकार श्री बनकर, आप सबको, सभी को मेरे प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आया है अवसर जिन मंदिर के उद्घाटन का, जिसमें आपकी मेहनत रंग लाई, यूं ही मिलती रहे सफलता और हम देते रहे बधाई। यही शुभेच्छा ज्येष्ठ महिला की ओर से। गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं, हमारी शान इसी में है कि आप सभी यहाँ पधारे हुए। आए हुए सभी मेहमानों के नए वर्ष की शुभकामनाएं, जय जिनेन्द्र और हैप्पी न्यू ईयर। मंदिर के प्रवेश द्वार के उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमें सबसे पहले याद आती है डॉक्टर शाह की। आज उनकी बहुत ही कमी महसूस हो रही है। जैसे तेजस्वी हीरा तो कोयले की खदान में पाया जाता है मगर स्वयं तेज से चमक उठता है, इसी तरह डॉक्टर साहब आपने अपना व्यक्तिमत्व स्वयं के पुरुषार्थ से
चमका दिया। वे नारायण गाँव में जैन मंदिर बनाने में बहुत अग्रसर थे। उनके बाद हमारे मनीषा भाभी ने खुद के दुख को भूलकर डॉक्टर साहब की इच्छाएं पूर्ण करने में जुट गए। स्त्रियां भी पुरुषों से बराबरी में काम कर सकती है, यह मनीषा भाभी ने हमें कर दिखाया है, जिसका हमें बहुत ही गर्व है। भाभी, आपको यदि कोई काम की सहायता चाहिए तो आप बेस्ट एंड बेस्ट महिला ग्रुप आपके लिए सदा तत्पर रहेगी। भगवान मुनि सूरज स्वामी के मंदिर के गर्भ में सोने चांदी का पत्रा लगाया और प्रवेश द्वार का पूरा काम किया। मंदिर में पद्मावती देवी की मूर्ति तथा भोजनशाला बनाने की निर्माण करने की इच्छा भी पूरी हो जाए, यही इच्छा करती हूँ। आया है अवसर जिसमें आपकी मेहनत है रंग लाई, आया है अवसर जिसमें आपकी मेहनत है रंग लाई, यही मिलती रहे सफलता और हम देते रहे बधाई। श्याम, अभी आपके बारे में इतना ही कहूँगी, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति इतिहास बदल देती है। धर्म प्रेमी सुश्रावत स्वामी का आज इस पुनि सूरज स्वामी मंदिर का पूर्णाहुति आज वही लग रही है। जब ये द्वार घाटा होता है तभी यूं लगता है कि जरूर मंदिर का कोई अच्छा कार्य है। आज मनीषा बहन ने डॉक्टर शाह का जो सपना पूरा किया है, ये सपना कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है। एक ही मैं इससे कहती हूँ कि जोड़ी होती है, उस जोड़ी में दोनों तो साथ में नहीं जाते हैं, मगर कुछ भी उनका सपना पूरा करना, भले लेडीज का हो भले जेंट्स का हो, वो जो पूरा करते हैं ना उसको जरूर कहते हैं। वो साथीदार का काम आज हमारे मनीषा बहन ने निभाया है, इन सभी के लिए और कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ कुछ नहीं होता है, घोसले से उड़ान होती है। आज मुनि सूरज स्वामी का प्रवेश द्वार का उद्घाटन है, महत्तर है हीरालाल मनीषा का प्रांगण, यही है शुभकामना। हजारों दीपक चाहिए एक अर्पित सजाने के लिए, हजारों पुण्य चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक महिला काफी होती है मंदिर को स्वर्ग बनाने के लिए। जय जिनेन्द्र, सदा जीवन एगो जिव्या, सौ कोई जोया करे, सदा कार्य एगो करिया, तो हृदय में सोना रमिया करे। मेरा नाम मिहिर है, स्वर्गीय डॉक्टर हीरालाल चरणलाल शाह मेरे दादाजी, जब से मैंने मेरे दादाजी को देखा है वह हमेशा अपनी जिंदगी में धार्मिक एवं सामाजिक काम में अपना पूरा योगदान दिया करते थे। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है सूरज बनकर घड़ी चमकता है। दादाजी ने हमारी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, जैसे नारायणगांव में जैन मंदिर की स्थापना, पाठशाला की स्थापना एवं बच्चों के लिए अलग अलग स्पर्धा आयोजित किया करते थे। उनका जोश देखकर बच्चे स्पर्धा में आनंद के साथ हिस्सा लिया करते थे। जैसे मैंने बीबीएस में एडमिशन लिया, डॉक्टर शाह एकदम खुश हो गए थे। अनुमोदना मेरी दादी जी ने दादाजी के इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन संभाल कर रही है। हिम्मत करे इंसान को क्या नहीं हो सकता, वो कौन सा प्रश्न है जो हल नहीं हो सकता। इस पंक्तियों का अर्थ आचरण में लाई है मेरी दादाजी और दादी की यह ख्वाहिश यह भव्य प्रवेश द्वार के साथ संपूर्ण हुई। आज भरा है हर्ष, हृदय में भावों का भंडार, वर्षों से जो आशा लगी थी आज हुई साकार। उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित माननीय रवी जी ओसवाल साहब असतील, त्याचबरोबर देवेंद्रभाई शाह असतील, अमित जी मेहके असतील, त्याचबरोबर सगळेच प्रतिष्ठित मान्यवर आणि समोर बसून सगळे नारायण गावकर। मला वाटतं डॉक्टर शहा म्हटलं की आजही त्यांचा हसरा चेहरा आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर
डॉक्टर शहांची ओळख असेल काय तर सकाळी त्यांचं एकदम रुटीन आयुष्य ठरलेलं आयुष्य म्हणजे काहीही जरी झालं तरी डॉक्टर तुम्हाला 8:30 इथं ऊन खायला सकाळी भेटणार म्हणजे भेटणार दादा त्यांनी सांगितलेल्या पद्धतीने म्हणजे खरंच सांगा मला जितक्या वेळा ते भेटले असतील त्यांनी प्रत्येक वेळेस हेच सांगितलं की हे जे नॅचरल आपल्याकडं आहे सगळं जे आपल्याला निसर्गाने दिलंय त्याचा वापर आपण केला पाहिजे डी विटॅमिन डी विटॅमिन तर आहेच म्हणजे सगळंच आणि त्या माध्यमातून खरं तर ह्या प्रवीणद्वाराच्या उद्घाटनासंबंधी एक प्रसंग सांगतो की झाडमध्ये येत होतो आणि मनीषा भाभी म्हटलं आपल्याला ते झाड तोडायचं म्हटलं मोठा प्रसंग आला होता माझ्यासोबत कारण आपण बरीच झाडं लावली मी सगळ्या व्यापाऱ्यांच्या हातापाया पडून सगळ्यांना म्हटलं की झाड तोडू नका परत आता प्रवेशद्वारासाठी झाड तोडायचं ते म्हणजे सुबाबदीत झाड आहे तर एक नक्की की सुबाबदीचं झाड नाही कसं बसं मग पराक्षित आले अभय आला ह्या सगळ्या मंडळींना म्हटलं बघा डॉक्टरांचंच म्हणणं आहे की निसर्ग जपला बघा आणि मग मात्र मनीषी बाबूंनी निश्चित स्वरूपात निर्णय घेतला की हे झाड आपल्याला काढायचं नाही आपण थोडंसं मागं ते प्रवेशद्वार घेऊ आणि मला वाटतं हे डॉक्टरांचीच आम्हाला देण आहे आजही प्रवेशद्वार तर निश्चित स्वरूपात सुंदर आहे परंतु डॉक्टरांकडून झालेलं काम हे त्याच्यापेक्षा मोठं आहे आज जे काही इंग्लिश मिडियम नाटकावच्या माध्यमातून जी काही मुलं शिकली असतील घडली असतील मोठी झाली असतील मला वाटतं त्यामध्ये डॉक्टर हे त्या इंग्लिश मिडियमचे फाउंडर होते आजही त्यांच्या स्मृतीला आपण सगळ्यांनी वंदन करत असताना मनीषा बाबींविषयी काय बोलावं आपण खरं तर डॉक्टर जाऊन आता 2 वर्ष होत आलेलो होतो बरोबर ना आजही त्यांच्या मनामध्ये जी स्मृती त्यांच्याविषयी आहे त्याला खरं तर आपण सगळ्यांनी सलाम केला पाहिजे आणि आमच्यासारख्या पिढीने हा आदर्श ठेवला पाहिजे की एकमेकांमध्ये किती गुंतून राहावं किती एकमेकांविषयी समर्पण असावं मला वाटतं हे त्यांच्याकडून बघून शिकलं पाहिजे आज त्यांच्या पवित्र स्मृतीला वंदन करत असताना मनीषा बाबींना सुद्धा मी मनापासूनच सलाम करतो स्वामीचे एक मंदिर खंगाव डॉक्टर हिराचंद शाह प्रवेशद्वाराच्या उद्घाटनाप्रसंगी उपस्थित असलेले आमचे मार्गदर्शक आणि ज्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून आम्ही पुढे चालण्याचे प्रयत्न करतो असे देवेंद्रभाई शाह व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर मंडळी खरं तर कार्यक्रम गेले 1.5-2 तास चालू आहे आणि ज्यांनी सूत्रसंचालन केलं किंवा जे गायनाचं काम करतात सागरजी यांच्यासाठी सगळ्यांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा ह्या व्यक्ती गेले 1.5-2 तास न थांबता न पाणी पिता तो इतकं देवाच्या प्रती आधी राहून त्याचं मनोगत किंवा गायन करतोय त्याचं खरं कौतुक ह्या कार्यक्रमामध्ये मला वाटतं शाह डॉक्टरांचं आणि बेनके परिवाराचं हे नातं खूप जुनं आहे आमच्या जन्मापूर्वीपासनं शाह डॉक्टरांना आमचे वडील वल्लभशेठ बेनके हे आमदार होण्यापूर्वी ठेकेदारी व्यवसाय करत असताना हे जोडीदार झाले आणि आज तक आहेत आमची पुढची पिढी त्यांचे भाचे असतील त्यांचे नातवंड असेल यांच्याबरोबर आमचे संबंध आहेत ज्याच्या हस्ते माझा सत्कार केला तो उत्कर्ष भंडारी आमच्या मोठ्या भावाचा वर्गमित्र आणि तेव्हापासूनचे नातेसंबंध जोडत आपण पुढे चाललेलो आहोत भाभींची इच्छा होती की माझे तिन्ही मानसपुत्र माझ्या कमानीच्या उद्घाटनाला त्यांनी उपस्थित राहावं पण काही घटना घडत गेल्या आणि आमचे बंधू डॉक्टर आणि आमदार अतुलदा बेनके ते काल भाभींना भेटून गेले तासभर ते इथं बसून होते कारण भाभींचं कौतुक किंवा अतुल बेनके आमदार झाला हा बेनके परिवारात झाला आणि शाह डॉक्टरांच्या इच्छेप्रमाणे तो यदा कदाचित शाह परिवाराचा आमदार झाला कारण अतुल दादा जन्माला आल्यावरती आम्हाला सगळ्यांना हॉस्टेलला टाकण्यात आलं की राजकारणाचा कोणाला गंध लागू नये त्याच्यामुळे आम्हाला हॉस्टेलला टाकलं तर शाह डॉक्टर म्हणायचे एक मुलगा माझ्या ताब्यात दे मी त्याला लहानाचा मोठा माझ्यापाशी करतो आणि त्यावेळेस अतुल दादाला त्यांच्या ताब्यात दिलं असतं तर यदा कदाचित आपल्याला अतुल शाह नावाचा आमदार ह्या तालुक्याला मिळाला असता पण आजही तो अतुल बेनके जरी असला तरी शाह परिवाराचाच मुलगा आहे एवढं मी सांगू इच्छितो डॉक्टर हिराचंद शाह हे नारायणगावचे जितेंद्र होते
त्यांचा पेहराव, त्यांचा पोशाख, त्यांचा राहणीमान हे एका कलाकारापेक्षा कमी नाही. काही लोक त्यांना जितेंद्र म्हणायचे, काही म्हणायचे हे आमचे अमिताभ बच्चन आहेत. तर त्यांची उंची, त्यांची बोलायची लकब ही सगळ्यांना आवडायची. लहानापासून मोठ्यापर्यंत, सकाळ संध्याकाळ ह्या ओट्यावर बसल्यावरती सगळ्या वयाची मित्र त्यांचे होते, सगळ्या जातीचे होते, सगळ्या धर्माचे होते. ते विशिष्ट कुठल्या लोकांना, कुठल्या जातीला, कुठल्या पक्षाला, कुठल्या गोष्टीला त्यांनी मानलं नाही. हे माणूस जन्माला आलेला आहे, हा माझा मित्र आहे, या भावनेने त्यांनी त्यांचं आयुष्य काढलं. ज्यावेळेस त्यांना इथे त्रास झाला, त्यांना अटॅक आला, सगळा समाज गोळा झाला, त्यांना पुण्याला आपण बिर्ला हॉस्पिटलला शिफ्ट करत होतो, तर चाकण देवेंद्र शेठ चाकण क्रॉस करायच्या आधी त्यांनी आपले डोळे बंद केले. आणि नंतर काय करायचं, तर उत्कर्षाचा फोन चालू, भाभीचा फोन चालू, आपले डॉक्टर अमोल वेंके त्यांच्यापाशी नेऊन त्यांना परत आयसीयूमध्ये ठेवून नॉर्मल केलं आणि नंतर बिर्ला हॉस्पिटलला त्यांना ट्रीटमेंट केली. डॉक्टरांनी सांगितलं की चेस्टमध्ये काय ब्लॉक आहे, तुम्हाला ऑपरेशन करायला लागेल. ते म्हणले मला आत्तापुरतं नीट करा, मी माझ्या आयुष्यात मी खूप चांगलं काम केलेलं आहे, देवाची कृपा माझ्यावरती आहे. विदाउट ऑपरेशन तो माणूस किती वर्ष, त्यांनी त्यांचे 3 ते 4 वर्ष डॉक्टरांनी सांगून सुद्धा विदाउट ऑपरेशन नॅचरल सिस्टीमनी त्यांनी त्यांचं आयुष्य काढलं, हे आम्हाला शिकण्यासारखं आहे. करावं तेवढं कौतुक. थोडं 1877 में जगह लिया, 1980 में यहाँ रामचंद्र सुरेश्वर जी आचार्य भगवत आए, उन्होंने इनको सौगंध दिलवाई दोनों को कि भाई यहाँ आपको मंदिर का निर्माण करने का है. ये नहीं बनता, ये एक फोन कॉल, ये एक फोन कॉल. इसके बाद में आचार्य भुवन भानु सुरेश्वर जी यहाँ आए और इनको तो दोनों को सौगंध दिलवा दी, यहाँ पर एक पूजन किया और सौगंध दिलवा दी. बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया. ये जो काम है 77 से आज 22, 45 साल की परंपरा. ये जरा फोटो की ओर सब जरा निखार के देखो, बाकी सब कार्यक्रम छोड़ दो, ये फोटो की ओर देखो, सब जन एक फोटो की ओर देखो कृपया, मेरी विनती. ये फोटो में देखो हंसता हुआ जितेंद्र को हो या कुछ भी को हो, वो मेरा लाडला दोस्त, मेरे खास मित्र, मेरे कल्याण मित्र डॉक्टर साहब. मेरा दोनों परिवार से मित्र परिचय था, भंडारी परिवार से मेरी परिचय था, मित्रता नहीं थी. शांतिलाल जी मेरे परिचित थे और ये मेरे खास मित्र. एक हीरा, इन्होंने जो फोन किया वो हीरे को किया कि उन्होंने फोन कॉल का रिस्पांस दिया, तुरंत वो जगा ली, आगे चले. इनका भी कितना पुण्य डॉक्टर साहब का कि इतने बड़े गच्छाधिपति भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब वहां पर आना, उसके बाद में रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब वहां आना, जगवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब आके यहाँ 4 गुंठा तय करवाना, कितना बड़ा काम है. 4 गुंठा तय करवा के फिर 90 में खनन मुहूर्त, शिला स्थापना 2001 के मेरे ख्याल से 2003 में फिर बाद में विश्व कल्याण जी महाराज साहब का यहाँ आना, श्री संघ की स्थापना. मुझे तो लगता है कि एक खड़े हो जाए कहीं हो तो, कि उस समय के जो पदाधिकारी थे अगर कोई हो तो मुझे लगता है कि उन्होंने खड़ा रहना चाहिए. वो समय का जिन्होंने स्थापन किया था, आप है मिलाजी भड़गट है मेरे ख्याल से, मुझे याद है मिलाजी भड़गट है, राजू शेख गोरा है, ये उनके वो उस समय के वो बैकबोन है जिनकी वजह से ये मंदिर निर्माण हुआ और उसकी वजह से ये प्रवेश द्वार निर्माण हो रहा. मैं डॉक्टर साहब को बहुत सल्यूट करता हूँ दिल से, उनके जो सोशल वर्क है उसको भी बहुत सल्यूट करता हूँ, बहुत दिल से सल्यूट करता हूँ उनका जो सोशल वर्क है. एक ब्रीफ में कहा जाए तो मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल में बेंके साहब के वजह से वहाँ पधारे, फॉरेन भी गए कॉन्फ्रेंस में फिलीपींस में, जुन्नर तालुका मेडिकल एसोसिएशन के ट्रस्टी भी थे. इसके साथ साथ रैयत शिक्षण संस्था आज के तारीख में सबसे बड़ी 550 कॉलेज वाली जो संस्था है उसके वो सम्माननीय कार्यकारी सदस्य थे, रंगदास शिक्षण संस्था के भी सदस्य थे, ग्रामोन्नति मंडल के भी नारायणगांव के वो आगेवान थे, डायरेक्टर थे, अंग्रेजी माध्यम स्कूल के वो
चेयरमैन थे, हम बोलते हैं उसको मिडास टच, मिडास टच, जहां कहीं भी उसको स्पर्श करे ना सुना हो जाए, जिस किसी संस्था में जाए वो उसकी भरभराहट बोलते हैं उसको, प्रोग्रेस कहते हैं उसको, एकदम ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हो जाए। ये हीरे के वजह से पूज्य आचार्य राष्ट्र संत आनंद ऋषि जी महाराज साहब का सेवा करने का, कई दिनों तक सेवा उनकी करने का उनको लाभ मिला, कितने बड़े पुण्यशाली हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, उनके कार्य को नमन करता हूँ। इसके बाद में मनीषा बेन का जो मैनेजमेंट है ना, हम कॉरपोरेट लेवल पे मैनेजमेंट करते हैं, ये जो भी कार्ड है, ये जो भी गेस्ट आए उसके सामने रखना, ये बहुत माइक्रो मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इतने सुंदर तरीके से किसको बुलाना, बराबर किसको बिठाना, सब कार्यक्रम कैसे अरेंज करने का, सीक्वेंस में कैसे लाने का, और इन्होंने बताया कि भाई मुझे, मेरे पास ये चॉइस है, मैं किसको एंकर करके, तो इनका नाम जब बताया सागर भाई का, तो मैंने बोला हमारे परिवार के मेंबर हैं भाई, ये तो मुझे परिचित है, चलेगा। मैं सागर भैया को भी अभिनंदन करता हूँ, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इसका एंकरिंग किया। मैं देवेंद्र भाई उपरचित जी आपका और एक बार अभिनंदन करता हूँ। 45 साल के बाद भी इन दोनों की दोस्ती, आपको लगता है कि डॉक्टर साहब गए, मुझे लगता है नहीं, वो हमारे में है, फिजिकली नहीं है लेकिन है, हमारे में है, हमारे साथ रहेंगे। मनीषा बेन वो हमारे सबके साथ रहेंगे, और मैं मनीषा बेन को भी वापस धन्यवाद देते हुए, मुझे बुलाया यहाँ, कुछ दो मिनट आदर अतिथि किया, विशेष अतिथि करके उन्होंने मुझे याद किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। एक भाग्य का ये दिव्य न्याय डॉक्टर मुनीश्वरत जैन मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार के डॉक्टर हीराचंद प्रवेश द्वार के निमित्त से यहाँ पे हमें जो मेहमान तरीके रमेश जी ओसवाल, अमित जी बेनके, पोकरणा जी, नरेंद्र भाई संदरिया, स्टेज पर सभी तथा संगीतकार गीतकार जैन शासन को अभिमान रहे ऐसे सागर भाई शाह, स्टेज पर मान्यव सही सुहास भाई, पराग भाई और इस पुनीश्वरत जैन मंदिर के सारे ट्रस्टी, मैं भाभी को खूब खूब यहाँ पे हम सब की ओर से आभार व्यक्त करूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो 20-25 साल पहले आज इस मंदिर स्थापना की, यहाँ पे जो आगेवानी की, ऐसा मंदिर जो कुकर्णा जी ने बताया कि आप ये पहली जगह ले लो, तो डॉक्टर ने अपने सिर्फ घर के लिए नहीं तो अपनी खुद की जगह यहाँ पे मंदिर के लिए दिया, और मंदिर के अर्पित करते हुए बड़ी अच्छी भावना रखे, नहीं तो ये घर परिवार का मंदिर कहलाता है, कोई भी घर के आंगन में होता है, बंगले के परिसर में होता है, वो व्यक्तिगत तरीके होता है, पर ये मंदिर जो है वो उन्होंने पूरे नारायणगांव जैन संघ को समर्पित किया, सबको साथ लेके किया। इसके लिए डॉक्टर साहब का जितना बड़ापन, जितना मोटेपन है वो कम है, क्योंकि हम सालों से देखते आ रहे हैं कि कोई भी गुरु भगवान पूना से नासिक की ओर, गुजरात की ओर जब विहार करते हैं, या वहाँ से पूना की ओर विहार करते हैं, तो सारों गुरुओं को एक मंदिर यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए इस मंदिर की स्थापना करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, डॉक्टर डॉक्टर होते हुए भी अपना सामाजिक काम, मेरे पहले अमित ने बताया कि ये सब ग्रामोन्नति मंडल का इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसमें मेरा भाई आज से 20 साल पहले यहाँ पे मंचर नारायणगांव परिसर में कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, पूना जाना पड़ता था, तो प्रीतम भाई था, मेरी बेटी थी, ये सब डॉक्टर साहब उनके पेरेंट्स थे, लोकल गार्डियन थे, तो ऐसी इंग्लिश मीडियम स्कूल की निर्मित, रोटरी क्लब, तो सामाजिक काम सीखना और देखना इस परिसर में, तो डॉक्टर शाह साहब की और देखते हुए आप लोग आगे बढ़ते थे, निष्प्रिय भावना से ये करते थे, कोई भी आगे पीछे वो देखते नहीं थे, पर एक खासियत थी कि ये मंदिर देते हुए कहीं पे भी उन्होंने
अपना आगे पन बताया नहीं है, सबको साथ में भगवान महावीर का आदेश और भगवान का मुनिसूरत दादा का धर्म आगे बढ़ाना, उनकी भक्ति भावना आगे बढ़ाना, मानवता आगे बढ़ाना, यही संदेश इस निमित्त से मैं कहूँगा। और बाबी जी, डॉक्टर साहब ने अपने जीते जी अपने इसका नहीं रखा, पर आपने जब तक ये मंदिर रहेगा, जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक ये प्रवेश द्वार रहेगा और डॉक्टर साहब का नाम अमर रहेगा, ऐसा काम बाबी जी आपने किया है। हमारे सारे बहनों को बिल्कुल प्राउडली रहे, क्योंकि अपने पीछे जाने से लोग मायूस हो जाते हैं, अगला जीवन कैसे जीना है, कैसे संभालना है अपने आप को, यही देखते हुए लोग जीते हैं। पर भाभी जी ने काफी पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे बताया। ब्रह्म मुहूर्त में जब डॉक्टर साहब गए तब जो भी उनकी इच्छा भावना शक्ति जो है वो भाभी जी को, मनीषा भाभी जी को देखे गए, और अच्छा कार्य करने के लिए मैं देख रहा हूँ मेरी डेट जो है, तारीख, मुझे जो आमंत्रण है वो कम से कम 4 महीने पहले लिया गया था। भाभी जी ने फोन पे बताया कि 30 तारीख है, अक्टूबर है, मेरे कुछ याद नहीं था, बोला भाभी जो आप तारीख नहीं करो जो। डॉक्टर शाह ये अपने कल्पना पण करू शकत नाही। डॉक्टर शाह हे वल्लभशेठ बेलके साहेब आमच्या बेलके परिवाराचे ते घटक आहेत, आणि म्हणून डॉक्टर शाह आमच्या बाबतीत आम्हाला आई आणि वडिलांसमानच आहेत। आम्ही लहानपणापासून आमचा बऱ्यापैकी काळ डॉक्टर शाह आणि या घराच्या परिसरामध्ये घालवलेला आहे, आणि त्यांचेही आणि आमचे अत्यंत प्रभाचे संबंध होते। डॉक्टर शाह यांनी इथे त्यांच्या घराच्या शेजारी जवळपास 4000 स्क्वेअर फीटमध्ये महावीर, भगवान महावीरचं इथं मंदिर उभं केलं, इतकं सुरेख उभं केलं, ते मंदिर नुसतं मंदिर म्हणून उभं नाही केलं, पण त्याच्यातले सगळेच जर बारकावे जर आपण पाहिले, मार्बलचं जर नक्षीकाम पाहिलं, मंदिरामधले जे म्युरल्स पाहिले, इथली स्वच्छता, इथलं पावित्र्य, हे खूप मोठी ऊर्जा देणारं ठिकाण झालेलं आहे। आणि नारंगवाली परिसरातले फक्त जैन समाजच नाही तर प्रत्येक जाती धर्मातला व्यक्ती ह्या मंदिरामध्ये माथा टेकल्याशिवाय राहत नाही, असं एक पवित्र स्थान त्यांनी निर्माण केलेलं आहे। आता ते आपल्यामध्ये नाही, मग त्यांचे कुटुंब आमच्या भावींनी त्यांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या कुटुंबाच्या वतीने तिथं हायवे लगतच मोठं प्रवेशद्वार उभं केलेलं आहे। आणि मी नक्कीच तालुक्याचं लोकप्रतिनिधी म्हणून एक प्रत्येक नागरिकाला विनंती करेल की तुम्ही आवर्जून ह्या मंदिराला भेट द्या, आणि मंदिराचं जे खरं आपल्या देवतांनी जे शिकवलेलं आहे की त्याचं पावित्र्य कसं राहावं आणि त्याच्यातून ऊर्जा कशी प्राप्त करावी ह्या छोट्याशा मंदिराकडून आपल्याला शिकण्यासारखं आहे। आणि म्हणून ह्या लोकार्पण सोहळ्याला मी मनापूर्वक शुभेच्छा देतो। मी ह्या कार्यक्रमाला उद्या असणारच आहे, आपणही सर्व आवर्जून भेट देऊन जावं अशी मी मला आपल्या सर्वांना विनंती करायची। भगवान महावीरच्या प्रती नतमस्तक होऊन मी त्या भगवानच्या चरणी प्रार्थना करणार आहे की माझ्या जुन्नर तालुक्यातल्या प्रत्येक नागरिकाला सुख, शांती, समाधान आणि त्यांच्या आयुष्यामध्ये चांगल्या प्रकारची भरभराट दे अशी मी ते भगवंताच्या चरणी प्रार्थना करतो। जीव शासनाचे जे रत्न आहेत त्याच्यामध्ये देवेंद्रभाई शाह यांचं खरोखर खूप मोठं आपल्या संपूर्ण समाजाला एक भूषण आहे, अशा प्रकारचं काम त्यांनी या ठिकाणी चालवलं आहे। तर देवेंद्रभाई आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात, आपल्याला खूप धन्यवाद, आपले आभार। त्याचप्रमाणे धर्मप्रेमी रमेशभाई ओसवाल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद। आपल्या या तालुक्याचे श्रद्धास्थान, तालुक्याचं भूषण, युवा नेते अमितजी बनके, सर्व ट्रस्टी त्याच्यामध्ये नरेंद्रभाई संदरिया, त्याचप्रमाणे या मंदिरचे जे विश्वस्त आहेत त्याच्यामध्ये विलासशेठ भलसा बळगट, त्याचप्रमाणे रमेशशेठ गुगळे, सुहासभाई शाह, श्रावक संघाचे अध्यक्ष अशोकशेठ खिवसरा, अशोकजी पटवा, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी प्रशांतभाई आपणही या ठिकाणी उपस्थित, राजूशेठ वखारिया, गोरेगाव श्री संघाचे दीपक शेठ लोढा, सर्व आलेले सर्व मान्यवर, नारंगाव श्री संघ, जुन्नर श्री संघ, मंचर श्री संघ, आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित झालात, उतूर श्री संघ, त्याचप्रमाणे या मंदिरचे जे अध्यक्ष म्हणून मनीषा भाभी यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने हे काम डॉक्टरांच्या पश्चात देखील त्यांच्या ज्या ज्या इच्छा होत्या त्या सर्व इच्छा या ठिकाणी भाभींनी पूर्ण करण्याचं स्वप्न या ठिकाणी पूर्ण केलं।
आम्हाला सर्व ट्रस्टींना त्यांचा अभिमान आहे की अशा प्रकारचं डॉक्टरांनी ते झाड लावलेलं आहे आणि त्याला ते खतपाणी घालून ते वाढवण्याचं काम या ठिकाणी संपूर्ण सेवा या ठिकाणी या मंदिरच्या अध्यक्षा मनीषा भाभी यांना सर्व मनीषर स्वामी जैन टेम्पल ट्रस्ट आणि जैन श्रावक संघ नारंगाव जैन सोशल क्लब नारंगाव यांच्या वतीने खूप खूप आभार। आपण सर्वजण या ठिकाणी भाभींच्या माहेरचा जो भंडारी परिवार आहे बेल्लाश्री संघ आहे हे सर्व भाभींचे जेवढे नातेवाईक या ठिकाणी उपस्थित आहेत सर्वांना या ठिकाणी मंदिरच्या वतीने खूप खूप आभार मानतो। वखारिया परिवार त्याचप्रमाणे शहा परिवार जे भाभींचे जेवढे नातेवाईक या ठिकाणी उपस्थित आहेत सर्वांना या ठिकाणी मी आभार मानतो। श्री मयूर भाई शाह श्री अशोक भाई से खुसरा उनका बहुमान करेंगे श्री पानी खुद सागर भाई आपने बहुत ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और आप नारंगाव में जब भी आए सभी कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। बहुत अच्छी तरह से आपने दो तीन घंटा जो जो यहाँ पे संगीत भक्ति भावना भाई